झालरी पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण में पाई गई अनियमितताएं। कनवास तहसील सुरेंद्र शर्मा ने किया निरीक्षण। कनवास SDM राजेश डागा को शिकायत प्राप्त होने पर उनके निर्देश पर तहसीलदार सुरेंद्र शर्मा ने ग्राम पंचायत झालरी में आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर पोषाहार के वितरण एवं स्टॉक की जाँच की। जांच के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दिनेश कुमारी सुमन द्वारा पोषाहार के वितरण में लापरवाही किया जाना पाया गया। स्टॉक रजिस्टर वित्तीय वर्ष 2020-21 के माह अगस्त में 100 किलो दाल, 1100 किलो चावल, 300 किलो गेहूं प्राप्ति का आंकन स्टॉक रजिस्टर में जांच के दौरान पाया गया। इसके अतिरिक्त अन्य पोषाहार चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्ति का आंकन रजिस्टर में नहीं पाया गया। पोषाहार वितरण रजिस्टर में लाभार्थी का नाम अंकित थे, किंतु पोषाहार की मात्रा व दिनांक का अंकन नहीं किया गया था। उपस्थित ग्रामीणों के द्वारा बयान पंजीकृत कर निवेदन किया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दिनेश कुमारी द्वारा माह अगस्त 2020 का पोषाहार वितरित नहीं किया गया है। उनके द्वारा उक्त पोषाहार को घर पर छिपा लिया गया, जिसको कि ग्राम पंचायत द्वारा जब्त कर पंचायत की सुपुर्दगी में रखा हुआ है। अपने मनमर्जी तरीके से पोषाहार वितरण किया जाता है। इनके द्वारा पोषाहार लाभार्थियों के फर्जी तरीके से हस्ताक्षर कर पोषाहार प्राप्त करना बताया जाता है, जिसका मौके पर सत्यापन भी करवाया गया। सत्यापन के दौरान ज्ञात हुआ कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा माह दिसंबर 2020 में वितरित किए गए पोषाहार प्राप्ति हस्ताक्षर में लाभार्थी के परिजनों के हस्ताक्षर स्वयं ही किए जा रहे। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया पोषाहार वितरित करने हेतु कोई मापदंड निर्धारित नहीं किए गए थे। उनके द्वारा अपने हिसाब से ही किसी बर्तन में पोषाहार वितरण किया जा रहा था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बर्तन की माप 1 किलो बताया गया, किंतु सत्यापन करने पर बर्तन की माप 750 ग्राम ही निकली, जिसमें 250 ग्राम प्रति किलो कम वितरण करना पाया गया। इसके अतिरिक्त दो अन्य निर्मला नगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रूपा हेड़ा में कलावती आंगनबाड़ी कार्यकर्ता खेड़ी के पोषाहार वितरित संबंधित जांच की गई। दोनों कार्यकर्ताओं द्वारा बताया गया कि वर्ष 2020-21 में 2 बार पोषाहार प्राप्त हुआ, जिसका इंद्राज स्टॉक रजिस्टर में भी किया गया था। विवरण रजिस्टर में वितरित किए गए मात्रा व प्राप्ति के हस्ताक्षर का आंकन किया जा रहा है। इनके द्वारा बताया गया कि प्रति गर्भवती व धात्री महिलाओं को 1.5 किलो चावल, 1.5 किलो गेहूँ, 3 किलो दाल दी जा रही है व बच्चों को 1.25 किलो गेहूँ, 1.25 किलो चावल व 3 किलो दाल दी जा रही है। जांच के दौरान तहसीलदार सुरेंद्र शर्मा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि सभी बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाएं एवं पोषाहार समय पर एवं गुणवत्ता एवं दिनेश कुमारी सुमन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता झालरी द्वारा पोषाहार वितरण में की गई घोर अनियमितताओं के लिए इनके विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु महिला एवं बाल विकास अधिकारी संगोद को निर्देशन देने के अनुशासन के साथ रिपोर्ट उपखंड अधिकारी कनवास को प्रस्तुत की गई व माह अगस्त 2020 को पोषाहार शीघ्र ही वितरण करने के निर्देश दिए गए। मौके पर सरपंच योगेंद्राबाई उपस्थित रहे।